गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने ई की मात्रा करी है, बड़ी की मात्रा भी करी है, छोटी की मात्रा करी है। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कोई वर्ड है तो उसमें कौन सी मात्रा लगाएं, बड़ी की मात्रा लगनी चाहिए कि छोटी की मात्रा। तो चलो आज मैं इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देती हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि जब छोटी की मात्रा लगती है, देखो दो चीजें मेन होती हैं। छोटी की मात्रा जब लगती है तो वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड से, कोई भी अक्षर है तो उसके लेफ्ट साइड से लगती है। मतलब जब जैसे हम ये मैं अक्षर हूं तो छोटी की मात्रा हमेशा लेफ्ट साइड से लगती है, ठीक है। और जो बड़ी की मात्रा होती है, जो बड़ी की मात्रा होती है वो अक्षर के हमेशा राइट साइड से लगती है। जैसे मैं अक्षर हूं तो बड़ी की मात्रा हमेशा राइट साइड से लगेगी। और दूसरी बात, जो छोटी की मात्रा होती है उस क्योंकि वो छोटी होती है तो उसकी साउंड भी छोटी होती है, जैसे इक। और जो बड़ी की मात्रा होती है उसका, क्योंकि वो बड़ी है तो उसका साउंड भी लंबा होता है, ई। तो चलो अब मैं कुछ अक्षरों में मात्रा लगाकर आपको दिखाती हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से अंतर समझ आएगा। जैसे अभी क अक्षर है, ये है क अक्षर, और जब मैंने इसमें छोटी की मात्रा लगाई, देखिए मैंने ये अक्षर है, अक्षर के लेफ्ट साइड से मात्रा लगाई, तो और क्योंकि ये लेफ्ट साइड से लगी और छोटी ई है तो इसका साउंड थोड़ा छोटा होगा, तो हम बोलेंगे कि, ठीक है। और अच्छा, अब ये क अक्षर है, अब हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो बड़ी की मात्रा किधर से लगती, वेरी गुड, बड़ी की मात्रा हमेशा राइट साइड से लगती है, तो ये किधर से लगेगी आपकी मात्रा। अच्छा, अब इसका साउंड क्या हो गया, ये साउंड हो गया की, क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है। ये साउंड था की, क्योंकि ये छोटी की मात्रा थी। यहां साउंड आया की, क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है। ऐसे ही दूसरे अक्षर देखते हैं, जैसे खा में छोटी की मात्रा लगी तो ये बन गया खी। अब यहां बड़ी की मात्रा लगाई खा में हमने, तो ये बन गया खी। ऐसे गा में जब हमने छोटी की मात्रा लगाई तो ये बन गया घी, और जब बड़ी की मात्रा लगाई हमने तो ये बन गया घी। अच्छा, घा अक्षर लेते हैं, अब घा अक्षर में जब हमने छोटी की मात्रा लगाई तो ये बन गया घी, अब जब बड़ी की मात्रा घा में लगाई तो ये बन गया घी, घी। अच्छा, अब एक एक्टिविटी करके देखते हैं, ठीक है। वर्ड बिल्कुल सेम है, सारे अक्षर सेम है, खाला इधर भी है और खाला इधर भी लिखा है। अब आप देखेंगे कि जब हम छोटी की मात्रा लगाते हैं तो उसका क्या साउंड होता है और उसका क्या मीनिंग होता है, और जब हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो उसका क्या साउंड हो जाएगा और क्या वर्ड बन जाएगा। तो चलो सबसे पहले करते हैं, लिखा है ये खा ला, क्या लिखा है, खा ला। अच्छा, अगर हमने खा ला में, खा पे हमने छोटी की मात्रा लगाई थी, क्या बन गया खेल। खेल मतलब कोई भी फ्लावर जब खिलता है तो उसे हम खेल कहते हैं कि वो खिला हुआ है, खेल। अच्छा, अब यहाँ पे भी खाला है, अब हम खा में बड़ी की मात्रा लगा कर देखते हैं कि क्या बनता है। अच्छा, खा में जब हमने बड़ी की मात्रा लगाई तो ये बन गया खील। खील एक खाने की चीज होती है ना, जो दिवाली के टाइम में आती है, तो ये हो गई खील। खा में बड़ी की मात्रा हो गई खील। अच्छा, अब ये है पता, आ पता लिखा है, अब हम इसे छोटी की मात्रा लगाते हैं तो देखते हैं क्या वर्ड बनता है। हमने छोटी की मात्रा लगाई तो ये बन गया पिता। पिता का मतलब क्या होता है, फादर, पापा, तो ये हो गया पिता। अच्छा, इधर पा में हमने बड़ी की मात्रा लगाई तो ये क्या बन गया पीता। पीता का मतलब क्या हुआ, ड्रिंकिंग, पानी पीना, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीना, कोई दूध पीना, तो उसे कहते हैं पीता, पीता हुआ है तो पीता। अच्छा,
अब ये जल मल लिखा है, अब इसमें हम देखते हैं छोटी की मात्रा लगा के, झा में हमने छोटी की मात्रा लगाई और मा में हमने छोटी की मात्रा लगाई, तो ये बन गया झिल मिल। झिलमिल मतलब ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग करना, स्टार ट्विंकल करते हैं ना, झिलमिलाते हैं। और जब इसमें झिल झाला में हमने बड़ी की मात्रा लगाई तो ये बन गया झील। झील लेक को झील कहते हैं ना। तो इस तरीके से मैं आशा करती हूँ कि आपको ई व ई की मात्रा में अंतर समझ आ गया होगा। आपको क्या करना है, एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनना है, उसकी साउंड सुननी है और फिर आपको लगाना है। अगर शॉर्ट साउंड है तो छोटी की मात्रा लगेगी, अगर लॉन्ग साउंड है तो वहां पर बड़ी की मात्रा लगेगी। आशा करती हूँ मेरे सभी बच्चों को यह अंतर अच्छे से समझ आ गया। ओके okay.